बागमारा इलाके में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं में कांग्रेस के नेता जलेश्वर महतो का हाथ है। उक्त बातें भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि घटनाओं में संलिप्त विश्वजीत चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद जो भी नाम सामने आए हैं उन सभी का कनेक्शन जलेश्वर महतो और झामुमो के नेता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसकी जाँच अच्छे स्तर से की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा और सभी घटनाओं में जलेश्वर महतो का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि व्यापक स्तर पर सभी मुद्दों की जांच हो। मौजूदा सरकार अपराधी घटनाओं को रोकने में विफल है और अपराधी घटनाओं को रोकने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। साथ ही भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इस घटनाओं में संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी हो और बागमारा में अमन चैन कायम रहे। पिछले कुछ महीने से बागमारा विधानसभा के विभिन्न कोलियरियों में, विभिन्न लोडिंग पॉइंट में और कुछ महल्लों में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ी। बम के धमाके गूंजे, गोलियां चली, लाठी अन्य हथियारों से मारपीट की घटनाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से यह बतलाने का काम किया कि बागमारा पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में है और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक आदरणीय ढुल्लू महतो जी ने भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह बतलाने का काम किया कि ये जो सारी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कांग्रेस के नेता और विगत चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़े श्री जलेश्वर महतो जी का हाथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निरंतर इस बात का आरोप लगाने के बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि सरकार उनकी है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। परसों इन घटनाओं में संलिप्त विश्वजीत चक्रवर्ती नाम के एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जितने भी नाम लिए और स्वयं वे इन सबों का कनेक्शन, किसी का सीधे उनसे है, किसी का झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के साथ है, यह इसका प्रमाण है। और अगर इसकी व्यापक स्तर से जांच पड़ताल की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और यह प्रमाणित होगा कि इन सभी घटनाओं में राजनीतिक संरक्षण देने वाले श्री जलेश्वर महतो जी हैं जिनके इशारे पर ये सारी घटनाएं वहां पर घट रही है। और विश्वजीत चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी या माननीय विधायक जी के द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः सत्य प्रमाणित होता है। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि व्यापक स्तर पर काफी गंभीरता पूर्वक प्रशासन इसकी जांच करे और जांच करने के बाद हम सबों को उम्मीद है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वह प्रमाणित हो जाएगा और झारखंड सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से विफल है। और जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उससे यह प्रतीत भी होता है कि सरकार को इन घटनाओं को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी हाल ही के दिनों में देखा होगा आप सबों ने कि एक धनबाद जिले के लिए गौरव की बात हुई माननीय विधायक महोदय के द्वारा कि उन्होंने रामराज मंदिर का वहां पर निर्माण किया और जनता के द्वारा उसकी स्वीकृति भी बढ़ी। आज धनबाद के अंदर बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए एक धार्मिक महत्व का विषय तो है ही, वह क्षेत्र पर्यटन के रूप में भी विकसित हो रहा है और उसकी दूसरी वर्षगांठ पर
तीसरे वर्षगांठ पर जब अन्य वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसकी अनुमति मांगी गई, प्रशासन ने एक तरह से सहमति दी। मैं खुद गवाह हूँ, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ मैं वहाँ पर था। अनुमंडल पदाधिकारी को सारे विषयों की जानकारी दी गई, आने वाले और उस यज्ञ में होने वाले सभी धार्मिक आयोजन के बारे में उन्हें बताया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन ठीक जिस दिन से शोभा यात्रा वहाँ पर प्रारंभ हुई, उसी दिन सारे कार्यक्रमों को प्रशासन ने रद्द कर दिया और यह बतलाने का काम किया कि यह सरकार धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं होने देती है, और जिस राम को भारतवर्ष पूजता है, भारतवर्ष के लोगों के आत्मा में जिनका वास है, उनके नाम की परिचर्चा पर भी सरकार ने रोक लगाई, उसका भी भारतीय जनता पार्टी भर्त्सना करती है। यानी कि कांग्रेस के लोग आदरणीय जलेश्वर महतो जी अपने रसूख का प्रयोग करते हुए लगातार बाघमारा को अशांत करने में लगे हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा जो जनहित के किए गए कार्य हैं उसमें रुकावट बन रहे हैं, उनके द्वारा जो बाघमारा को एक दर्शनीय स्थल बनाने का प्रयास किया गया उसमें अपनी सहभागिता नहीं दिखाकर उसे और बदनाम करने के नियत से सारे आयोजनों को रद्द करवा दिया, यह उनकी मानसिकता का परिचायक है। और ऐसे आयोजन में रुकावट बनकर और ऐसे जनप्रिय विधायक के किए गए कार्यों को रोककर वह चाहते हैं कि हमें लोकप्रियता मिलेगी, तो यह लोकप्रियता उन्हें मिलने वाली नहीं है। क्षेत्र की जनता जानती है कि किस प्रकार से लगातार तीसरी बार वहाँ की जनता ने आदरणीय ढुल्लू महतो जी को चुना है, निश्चित रूप से उन्हें दबाया नहीं जा सकता। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी ऐसी घटनाओं में संलिप्त हैं यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो और बाघमारा में अमन चैन स्थापित हो।